सो हे गाइज, वेलकम बैक माई चैनल बिग थिंग सीजे। सो गाइज, आज की टॉपिक है रियलमी को लेकर। जब से गाइज रियलमी पे कलर ओएस 6 का अपडेट आया, तब से गाइज मेरे पास बहुत सारे कमेंट आने लगे इसकी प्रॉब्लम को लेकर। जैसे गाइज कैमरा, बैटरी एंड टच और भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे इस अपडेट को लेकर, और इसीलिए गाइज मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए इस अपडेट के रिगार्डिंग। तो गाइज आज की वीडियो में जितने भी कमेंट आए उसका रिप्लाई देने वाला हूँ इस वीडियो में। वैसे गाइज मैं सारे कमेंट पे रिप्लाई दे ही देता हूँ, बट गाइज बहुत से लोग ये रिप्लाई को देखते नहीं, इसलिए गाइज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो गाइज मैं सारे कमेंट का रिप्लाई एक एक करके देने वाला हूँ, और हाँ गाइज उसका सॉल्यूशन भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं 9-10 कमेंट को पिनअप किया हूँ, जिसका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो सबसे पहले कमेंट आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो विठल चौधरी सर की तरफ से। वो बोल रहे हैं मेरे को भी पहले वाली अपडेट चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अपडेट आप भूल से भी मत करना, क्योंकि सर आपकी टाइम भी बर्बाद होगी और आपकी MB भी बर्बाद होगी। ठीक है, आप मैनुअल लिंक से वो अपडेट ओल्ड वर्जन को डाउनलोड कर लेते हो, बट आप मैनुअल तरीके से उसे इंस्टॉल करने जाते हो तो वो एंड मोमेंट पे फेल्ड हो जाएगा। इसलिए सर मैं आपको बोल रहा हूँ, वो अपडेट आप भूल से भी मत करना, वरना आपकी MB बर्बाद होगी, आपकी टाइम भी बर्बाद होगी और इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप वेट कर लो, फिर से कोई नया अपडेट आएगा, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो दूसरी कमेंट आई है वो है टेक्नोलॉजी संजीव सर की तरफ से। वो बोल रहे बैटरी प्रॉब्लम तो नहीं, टच और कैमरे पे प्रॉब्लम और स्क्रीन नॉट लुक्स गुड। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप बहुत लकी हो जो आपकी बैटरी पे प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, वरना बाकी सारे डिवाइसेस में जो कलर ओएस 6 के अपडेट आई है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बैटरी प्रॉब्लम दे रही है। और सर यहाँ पे आप अनलकी भी हो जो आपके कैमरे पे प्रॉब्लम है एंड स्क्रीन पे प्रॉब्लम है। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एक बार अपने मोबाइल को रिसेट कर सकते हो, उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप फिर से सेकेंड अपडेट के लिए वेट करो। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो तीसरी कमेंट आई है वो है भुवन केसी सर की तरफ से। वो बोल रहे रियलमी C1 2GB रैम एंड 16GB रोम अपडेट कब आएगा। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके रिगार्डिंग मैं कस्टमर केयर से भी बात की, तो वो बोले इस मंथ के लास्ट तक वो अपडेट सारे डिवाइसेस में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप वेट करो, इस मंथ के लास्ट तक आपको भी ये अपडेट मिल जाएगा। और जो यहाँ चौथा कमेंट आया वो है रवि निर्मला सर की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो वो बोल रहे भाई साहब मैंने भी U1 में कलर ओएस 6 को अपडेट किया, पर मेरे मोबाइल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल मोड चल रहा है, थैंक्स फॉर रियलमी कलर ओएस 6। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप बहुत बहुत लकी हो जो आपके मोबाइल पे इस अपडेट के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। बाकी सारे में या फिर बैटरी ड्राइंग की प्रॉब्लम चल रही है या फिर कैमरे को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, तो आप बहुत लकी हो जो आपके मोबाइल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। और जो यहाँ पांचवा कमेंट आया वो है चंद्रदास सर की तरफ से। वो बोल रहे हैं भाई कस्टमर केयर नंबर नहीं लग रहा है, 4 से 5 दिन ट्राई कर चुका हूँ, कनेक्शन ऑन द डायल नेटवर्क बोल रहा है। तो सर मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहाँ से आप नंबर निकाल लो, और सर 10 से 6 बजे तक ही कस्टमर केयर खुला रहता है, इतने टाइम तक आप कॉल कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। और हाँ सर, आप अगर कॉल करते हो तो आपको 10 मिनट वेट करना हो, कॉल लगाने के बाद रिंग होगा, उसके बाद वहाँ पे कॉल रिसीव होगी, उसके बाद सर आप अपना प्रॉब्लम वहाँ पे बता सकते हो। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो छठा कमेंट आया वो है शेख फैजान सर की तरफ से। वो बोल रहे हैं रियलमी को न्यू OS मिलेगा। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रियलमी अपनी खुद के OS पे काम कर रही है, बहुत ही जल्द आपको कलर ओएस 6 को हटाकर रियलमी अपने खुद के OS सारे डिवाइस में प्रोवाइड कर देंगे। और जो यहाँ सातवां कमेंट आया वो है गैनचांद सर की तरफ से। वो बोल रहे भाई कैमरा बिना अपडेट के पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी सेटिंग न्यू आई है जो अच्छी है। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एक बार गूगल कैमरा डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप फिर से दूसरे अपडेट के लिए वेट करो। और जो यहाँ आठवां कमेंट आया वो है माजिद खान सर की तरफ से। वो बोल रहे हैं भाई रियलमी U1 के 5.2 अपडेट कर ले। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, सर ये अपडेट आप भूल से भी मत करना, वरना आपकी टाइम भी बर्बाद होगी और आपकी MB भी बर्बाद होगी, क्योंकि इस अपडेट को अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो आप लास्ट मोमेंट पे आपकी ये अपडेट फेल्ड हो जाएगी। अगर आपको ये अपडेट प्रॉब्लम दे रही है तो आप कस्टमर केयर पे जा सकते हो, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो सके वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। और जो यहाँ नवा कमेंट आया वो है पिंटू पियाजी सर के तरफ से। वो बोल रहे हैं जियो सर भाई सुपर वीडियो बनाते हो। तो सर मेरी तरफ से आपको वेरी वेरी थैंक्स, और वेरी वेरी थैंक्स मेरे को सपोर्ट करने के लिए, और सर इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहिए, थैंक्स। और जो यहाँ पे 10वां कमेंट आया वो है यशदीप सर की तरफ से। वो बोल रहे हैं कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रॉपर। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम सारे पे हो रही है, कैमरे बहुत स्लो कर रही है। आप वीडियो मोड से अगर कैमरे मोड पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी कैमरे हल्की फुल्की लैगिंग करती है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आप अगर अपने मोबाइल को रिसेट कर देते हो। उसके बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई तो आप कस्टमर केयर पे जा सकते हो और वहाँ पे ये प्रॉब्लम बता सकते हो, शायद वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे।
तो यार गाइस यहाँ पे मैंने जो 10 कमेंट को पिनअप किया था उसके रिप्लाई के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया कि क्या उसका सॉल्यूशन है। आपको अगर ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और हाँ गाइस आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी मेरे कमेंट के नीचे बेझिझक होकर बोल देना।